कि तोहरा गलिया में मिले हम आईबे जान, ले लो तू बहिगन चिल्लाईबे जान। हमको तो लग रहा है कि मेरे को अब टारगेट कर लिए हैं ये, कि तुम एक बार मेरे को बोला है, अब देखो तुमको कैसे चलने देते हैं इंडस्ट्री में। 3 सप्ताह पहले भी गाना जो है मेरा छूटा हुआ बैगन 2.0 उसको फिर से उठा के कल गा दिया, मतलब कल रिलीज हुआ, जब भी गाए कल उनका रिलीज हुआ पवन जी का सॉन्ग। उस समय लोग बोले कि ये वो फलना ढकना ऐसे कर लिया, पवन जी का पूरा ये चलता है वो चलता है, इतना दिन पर गाना होता है, वो आप किए होंगे ऐसे किए होंगे। बहुत सारे पवन जी के फैन ने पूरा मेरे पे आरोप लगाया, गाली गलम धमकी, मेरे को पिटवाया भी गया, चैन भी छीन लिया गया मेरा, सब चीज मेरे साथ हुआ। आज अब आप लोग बोलिए कि आज कौन गलत या सही, आप लोग तो 3 सप्ताह पहले है ना जी। छोटे कलाकार क्या करेगा भैया, आप देखिए छोटे कलाकार के अब चोली चड्डी गावे लगे स्टार्ट कर रहा था, लोग के अब ये होने लग रहा है, क्या करेगा। एक कलाकार को कोई जात नहीं होता, ठीक है, कोई आकार नहीं होता, सभी सभी के पास वो प्रोग्राम करने जाते हैं ना जी, हर ये समाज के लोग पास में हम लोग प्रोग्राम करने जाएंगे, सब लोग से मिलेंगे, तो इसलिए जातिवादी कभी नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई बेटी पे तो गा दोगे गाना, ये कोई मतलब हो गया यार, छुतियाई की तो हद पार कर दिया है लोग। कि डेट में मेरा एकदम मतलब पवन सिंह के पास मन हट गया है भैया, पवन सिंह हम 0 समझने लगा हूँ अब, पवन सिंह कलाकार नहीं चोर हमको समझने लगे कि चोर है ये। हम एक इंसान है, कोई जाति नहीं है मेरा, जाति पाति से हमको मतलब नहीं रहता है, जाति क्या, जात खाई दे देगा हमको, जात खाने के लिए मैं मेहनत करूंगा मैं ना खाऊंगा जी, कोई जात खाए ले दे देगा नहीं। जातिवादी बेकार चीज है भैया। जब पिछले दिनों हमारे साथ में नीतीश राठौर जुड़े थे तो एक विवाद खड़ा हुआ था कि इनका एक गाना चोरी हो गया है हरी हरी उड़नी, इन पर जानलेवा हमला भी होता है पटना में, और उसके बाद पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मच जाता है कि पवन सिंह जैसे पावर स्टार के नाम से प्रसिद्ध कलाकार किसी छोटे कलाकार का क्या गाना चोरी कर सकते हैं। वैसे ही एक बार फिर से विवाद गहरा गया है क्योंकि नीतीश राठौर का एक और फिर से आरोप लगा है पवन सिंह पर कि उन्होंने मेरा फिर से एक गाना चोरी कर लिया है। इन सब मसलों पर हमारे साथ में नीतीश राठौर है, नीतीश राठौर ऑफिशियल नाम से चैनल भी चलाते हैं। नीतीश जी, अब इस बार आपका किस पर आरोप है और क्यों आरोप है और क्या आरोप है? सबसे पहले तो जितना भी जनता जंक्शन के सुनने वाले श्रोता हैं सभी लोग को प्रणाम। आरोप है भैया मेरा यही कि पवन सिंह जो है वो मेरा फिर से गाना या तो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, जो भी हो जो भी करें, पिछले बार मेरा हरी हरी ओढ़नी उठाए, ठीक है, वो गाए, इसके बाद में तुरंत अभी मेरा ये बैगन 2.0 मेरा सॉन्ग था। अच्छा। जो कि 3 सप्ताह पहले रिलीज हुआ था, ठीक है, 3 सप्ताह पहले मेरा रिलीज हुआ है सॉन्ग, उसको उठा करके अभी कल पवन जी का रिलीज हुआ है सॉन्ग पुदीना 2.0, पुदीना ये हसीना इसी करके 2.0, वो सॉन्ग का पंचलाइन पूरा का पूरा मेरा ही है, खाली वहां पे मेरा बैगन है और उनका पुदीना है। तो बोलिए आप मतलब कि छोटे कलाकार को, आप लोग जो भी जनता लोग है बोलिए कि हम जैसे कलाकार को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इंडस्ट्री को छोड़ दें, मतलब कि जो भी है हमेशा कुछ न कुछ, मतलब कि हमको तो लग रहा है कि मेरे को अब टारगेट कर लिए हैं ये, कि तुम एक बार मेरे को बोला है, अब देखो तुमको कैसे चलने देते हैं इंडस्ट्री में। यही बात ना है क्योंकि गाना तुरंत में गाया, अभी एक ही गाना ना मेरा छूटा है जी, ये गाना छूटा है तुरंत फिर दूसरा गाना का जैसे मैं गाया हूँ तुरंत उस गाना के भी। उस समय लोग बोल रहे थे कि एक ही दिन रिलीज हुआ तो कैसे पवन सिंह ले लिए, अब तो मेरा 3 सप्ताह पहले रिलीज है, अब का अखबार में कुछ था घुसल था अखबार में, देखना चाहिए ना उनको, उनको जो भी लोग हैं उन देखे होंगे ना गनमा, उनको देखना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। 3 सप्ताह पहले भी गाना जो है मेरा छूटा हुआ बैगन 2.0 उसको फिर से उठा के कल गा दिया, मतलब कल रिलीज हुआ, जब भी गाए कल उनका रिलीज हुआ पवन जी का सॉन्ग। क्या आपके गाने का क्या बोल है गाना सुनिए। मेरा गाना के बोल है कि तोहरा गलिया में मिले हम आईबे जान, ले लो तू बहिगन चिल्लाईबे जान, तोहरा गलिया में मिले हम आईबे जान, ले लो बहिगन चिल्लाईबे जान। ये मेरा है, और पवन जी का सेम जहां पे बैगन आ रहा है ना ओहे पे पवन जी का पुदीना सिर्फ है, बाकी सेम लाइन है, सेम लाइन है भैया, सुन लीजिएगा उनका भी मेरा भी उनको भी लाइनवा ये है कि तोहरा गलिया में मिले हम आईबे जान, ले लो पुदीना चिल्लाईबे जान। खाली पुदीना चेंज है, तीन सप्ताह पहले मेरा 3 सप्ताह पहले है, ठीक है,
तो अब हम कहां दोषी। उस समय लोग बोले कि ये वो फलना ढकना ऐसे कर लिया, पवन जी का पूरा ये चलता है वो चलता है, इतना दिन पर गाना होता है, वो आप किए होंगे, ऐसे किए होंगे। बहुत सारे पवन जी के फैन ने पूरा मेरे पे आरोप लगाया, गाली गलम धमकी, मेरे को पिटवाया भी गया, चैन भी छीन लिया गया मेरा, सब चीज मेरे साथ हुआ। आज अब आप लोग बोलिए कि आज कौन गलत या सही। आप लोग तो 3 सप्ताह पहले है ना जी, 3 सप्ताह पहले है। आप लोग जितने भी श्रोता लोग हैं, मेरे भगवान रूपी जितना जितना जनता जनार्दन लोग हैं, वो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि जा करके अब देखिए कि 3 सप्ताह पहले मेरा रिलीज होता है भैया। अब फिर से मेरे जैसा सिंगर क्या करेगा, उन लोग जब गा देगा जिस पंच लाइन को भैया, वो मतलब कि हम लोग का कुछ होने वाला है फिर। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहा जाते हैं पवन सिंह, आपको ही क्यों टारगेट किए? क्या आपसे कोई व्यक्तिगत विवाद चल रहा है या फिर कुछ है? नहीं मेरे से कोई विवाद नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बोलता था पहले भी, पिछले वीडियो में मैं बोला हूं कि मैं उनका आदर्श मानता था, अपना बहुत उनका मैं भक्त था, बहुत मानता था उनको। लेकिन भैया जब से मेरे संग जो घटना करवाए ना जीप से, उस उनको हम कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, एकदम मेरे लिए जीरो हम समझते हैं भाई, कुछ रहे लोग। अच्छा ये बताइए, इस तरह की छोटे कलाकार का गाना चोरी करके गा दे रहा है बड़े स्टार जी, क्या छोटे कलाकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? छोटे कलाकार क्या करेगा भैया, आप देखिए छोटे कलाकार के अब चोली चड्डी गावे लगे स्टार्ट कर रहा था, लोग के ये होने लग रहा है, क्या करेगा, वही ना करेगा। अब अच्छा गाना तो गाएंगे तो उठा उठा करके लोग गा दे रहा है, इन लोग बड़े स्टार जो है जो इन लोग उठा कर गा रहे, तो छोटा कलाकार क्या करेगा? छोटा कलाकार तो कुछ, उसको भी तो रोजी रोटी चलेगा ना, उसका पेट कैसे भरेगा, कलाकारी करेगा वो। कलाकार जिसको कलाकारी के एक बार कीड़ा काट लेता है ना भैया, वो दूसरा काम नहीं कर पाता है, उसको कलाकारी में उसको मन लगेगा तो दूसरा काम तो नहीं ना कर सकता है। अच्छा ये बताइए, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जात को लेकर के विवाद चल रहा है, पवन ये खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और एक विवादित युग है कि लाइव आकर के रोते हैं और लंदन से कि हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है, राजपूत का ये हो गया, यादव का ये हो गया, इस तरह से कैसे बचा जाए? सबसे पहले भैया हम पिछले वाला वीडियो में बोले थे कि जातिवादी बहुत ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ चुका है, जो कि जातिवादी दम बंद होना चाहिए। कलाकार को कोई जात नहीं होता, ठीक है, कोई आकार नहीं होता, सभी सभी के पास वो प्रोग्राम करने जाते हैं ना जी, हर ये समाज के लोग पास में हम लोग प्रोग्राम करने जाएंगे, सब लोग से मिलेंगे, तो इसलिए जातिवादी कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ एक चीज और सुनने को मिला, मैं भी लाइव देखा था खेसारी भैया का, लेकिन उसको बहुत दुख हुआ कि खेसारी भैया के बेटी जो कृति है, हम लोग की भी बच्ची है, उनको पर जो गाना गाया है कोई, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और इसके ऊपर जितने कलाकार हैं, जितने कलाकार सबको एक होकर के इस पे बोलना चाहिए कि और केस मुकदमा जो भी हो सब चीज उसको करके इतना कर दिया जाए, उसको 7 पुश्त याद रखे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाकार का भी पावर क्या होता है, मतलब कोई बेटी पे तो गा दोगे गाना, ये कोई मतलब हो गया यार, चुतियाई की तो हद पार कर दिया है इन लोग, चुतियाई की हद पार हो गया। तो इसलिए कभी भी ये चीज है, खेसारी भैया के साथ में है, कभी अगर उनके लिए जान भी देने के बारी आएगा तो देने के लिए रेडी है महाराज। और खेसारी भैया के बेटी के बारे में बोल देगा चुप हो जाएगा आदमी। और पवन सिंह पर गाना गाया जाता है, उनके फैमिली पर तो इस तरह की क्यों नहीं? आप लोग देखिए पवन सिंह के लिए मैं उतना ही था ऐसा, लेकिन आज के डेट में मेरा एकदम मतलब पवन सिंह के पास मन हट गया है भैया। पवन सिंह हम जीरो समझने लगा हूं, अब पवन सिंह कलाकार नहीं चोर हमको समझने लगे कि चोर है ये। क्यों क्यों मेरा पिछला गाना चुराया गया, उसको भी मैं विवाह मतलब कि बोला, लोग आवाज उठाया कि पवन भैया बोल देंगे कुछ, तब मेरे पे अटैक करवा दिया जाता है, उसके बाद फिर उससे मेरा गाना को चोरी कर लिया जाता है। तो इस बार आप पर भी तो आरोप लग सकता है कि आप भी जातिवादी कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव के समर्थन में आ रहे हैं, पवन सिंह के समर्थन में नहीं आ रहे हैं आप? भैया किसी पर कोई मेरा जात उतना ही भैया, हम एक इंसान है, कोई जाति नहीं है मेरा, जाति पाति से हमको मतलब नहीं रहता है। जाति क्या, जात खाई ला दे देगा हमको, जात खाने के लिए मैं मेहनत करूंगा मैं ना खाऊंगा जी, कोई जात खाई ला दे देगा नहीं। जातिवादी बेकार चीज है भैया, ये सब देखिए जनता जनार्दन है, जो जातिवादी कर रहा है ना लोग, वो आप लोग के भ्रमित कर रहा है भैया, आप लोग भी इस पर सोचे, ये भ्रमित कर रहा है, जातिवादी में नहीं भैया, एक इंसान बढ़िया मात्र मैं 2 जात जानता हूं धरती पे, नर और नारी, बस 2 जात है भैया। तो कोई जात पूरी में इस तरह की विवादें चल रही है, यादव राजपूत भूमियार, इस तरह कैसे निपटा जाए, कैसे इसको खत्म कीजिए आप लोग? अब ये तो मेरा उतना तो ये नहीं है कि मैं इस पे बोल दूं कि तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सब लोग एकजुट होना चाहिए और इस पे सरकार को भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए जातिवादी गाना? सबसे पहले
जो लोग स्टार्ट अगर इसमें जातिवादी वाला चीज कर रहा है वो भी जिम्मेवार है, और इसको पर सरकार बहुत बड़ा जिम्मेवार, हम सरकार के बहुत, क्योंकि इसमें गाली गलम वाला जो गाना स्टार्ट हो रहा है भैया, लड़की लोग का नाम लेकर, मेरी बहन भी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है, फलना ढकना जो भी हो, सभी का बहन बेटी हो सकती है, उनको नाम पे गाना गा दिया जा रहा है, उनको पे ये हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो कोई भी जितने भी हैं ये सब नहीं करें, और जितने मतलब कि सरकार को इसको पे सेंसर के बारे में सोचे कि ताकि लोग ये सब काम ना करें। सरकार क्या करे आप लोग के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या करना है? सेंसर बनाए, सेंसर बनाए, सेंसर होगा तो उसको पे लोग सोच करके ना चलेगा जी, कोई भी लिरिक्स हम लोग करवाएंगे लिखवाएंगे लिरिक्स को, फिर सेंसर होगा उसके बारे में जांच पड़ता, उसके बाद गाएगा लोग सब चीज का सेंसर, कुछ मार्केट में आउट करने के पहले उस सेंसर बोर्ड से पास होगा तभी हम लोग लॉन्च करेंगे, तो सेंसर बोर्ड होना जरूरी लगता है। बिहार में सेंसर बोर्ड अगर लागू हो जाएगा तो जातिवादी गाना या माँ बहन बेटी के गाना बंद हो जाएगी? काहे नहीं बंद होगा, उसके ऊपर मतलब कि जो भी ये करेंगे तो केस होना चाहिए ना जी, जो भी ये करे सरकार को होना चाहिए ना कि जो इस तरह गंदगी फैला रहा है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, FIR होकर उसको ढकेलिए जेल में, सड़ाइए उसको, समाज को इसम ये नहीं कलाकारी में कर रहा है, दो गो TRP के लिए लोग कि मेरा व्यू आ जाएगा, मैं स्टार बन जाऊँ, ये चीज कर रहा, लेकिन पूरे समाज में गंदगी फैल रहा है भैया, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए पूरे समाज में, पूरा समाज में गंदगी, हाँ 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 पूरा। और जातिवादी तो कभी जाइए ना बड़े बड़े शहरों में जाइए, जातिवादी दिखेगा नहीं दिखेगा, जातिवादी नहीं दिखेगा भैया, ये सब जातिवादी कर करके भोंग भांग क्या ये सब कर रहा है जातिवादी, जात क्या होता है यार, एक ही जात से मिलकर रहते हैं, हमारे तो मतलब सब जात हमारे दोस्त है, सबके साथ में खाते पीते बैठते उठते हैं, मुस्लिम तक के साथ में हम खा करके खाते हैं बैठ करके, कोई ये नहीं है, सबके साथ में मिल करके सब लोग एक समान है, बस नर और नारी दो को ही जात है भैया धरती पे। चलिए तो हमारे साथ में नीतीश राठौर हैं जो कि एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, क्या पवन भैया से देखिए फिर से कम अपना आदर करवाना चाहते हैं, को भाई के दिल में जगह बनाइले रखिए कि कुछ इसको पर सोचिए यार, ऐसा काम मत कीजिए, हम लोग जैसा छोटा कलाकार मर जाएगा भैया, मत दिसम कीजिए यार, उस समय बहुत एग्रेसिव में मैं बहुत कुछ आपको बोला था, क्योंकि मेरे पे अटैक हुआ था उस समय, मेरे पे क्या बीत रहा था वो मैं जान रहा था। आज भी पवन सिंह के लिए प्यार है आपके दिल में? थोड़ा सा देखिए जिससे रहता है ना वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है, ऐसा नहीं है, उस समय जब करवाए थे ना तो, लेकिन मतलब कि कभी कभी हमको बहुत फिर से ये काम किए, मेरा गाना उठाकर जबकि 3 सप्ताह पहले मेरा रिलीज है, उनको चेक करना चाहिए ना, जब उनको लोग नहीं ये चीज कर पा रहा है, अब बार बार उनको आरोप किसी न किसी के थ्रू अगर लग जा रहा है तो क्यों लग रहा है, आखिर कैसे लग रहा है, उनको भी जांच करना चाहिए, उनको सर्च मार के देखना चाहिए, जो गाना सबसे पहले मेरा उनको पुदीना 2.0 है तो मेरा भी देखना चाहिए, बैगन 2.0 मेरा भी नाम है तो उसको चेक करना चाहिए ना, सर्च करना चाहिए ना कि बैगन 2.0 मतलब कि 2.0 जैसे मारते पुदीने अपने नाम डालते तो मेरा भी बैगन 2.0 आ जाता है कहीं, तो उनको देख करके सुन करके ये करना चाहिए, करना चाहिए ना, इसके बाद कम से कम अपने से लोग आपको नहीं कर रहा ना, लोग सब हो गया भरोस तो कम से कम अपना इज्जत बचा लीजिए आप। चलिए तो हमारे साथ में नीतीश राठौर हैं जो कि पिछले दिनों जब भोजपुरी में विवाद हुआ था कि इनका एक गाना चोरी हुआ है हरी हरी ओढ़नी, वो काफी विवाद में रहा था, फिर इस बार आरोप लगा रहे हैं नीतीश राठौर कि पवन सिंह ने फिर से मेरा एक गाना चुरा लिया है बैगन 2.0, और ये देखने वाली बात है कि विवाद कैसे थमती है। और एक और विवाद है कि खेसारी लाल यादव जो कि सुपरस्टार है भोजपुरी के कहे जा सकते हैं और पावर स्टार से नाम से प्रसिद्ध है पवन सिंह, दोनों विवाद में अभी चल रहे हैं, खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गाया जाता है तो पवन सिंह पर गाने की चोरी करने का आरोप लगाया जाता है, अब पता नहीं कब ये निपटा जाएगा, माँ बहन बेटी पर कब से ये गाने पर बैन लगेगी ये आगे तो सरकार ही तय करेगी, क्योंकि जब तक सेंसर बोर्ड बिहार में नहीं लागू हो जाता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।